गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बच्चों आज अभी तक हम लोगों ने हिंदी सेकेंड में पार्ट एक और दो का पुनरावृत्ति कर लिया है और पार्ट एक का आपको पीडीएफ भी मिल गया होगा, तो आप लोग उसको कॉपी में नहीं करेंगे, उसको पुस्तक में करेंगे। कॉपी में सभी बच्चों ने 1 से 3 तक क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे मात्राएं, जो से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मात्राएं पढ़नी है आज हम लोगों को। देखिए बच्चों, मात्राओं में एक कविता दी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, पढ़ने में भी, और इसमें मात्राएं लगी हुई हैं तभी ये अच्छी लग रही है। बुलबुल मीठा मीठा गाती, मुरली मीठी मधुर बजाती, बुलबुल की अपनी पहचान, लगती तभी बहुत गुणवान। बच्चों देखिए, एक स्वर में स्वरों की मात्रा व्यंजनों में लगाने से ये कविता कितनी ही सुंदर बन गई है। आइए अब नीचे देखते हैं। अब नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों में स्वरों के चिन्ह अलग करके लिखिए। जैसे बच्चों देख रहे हैं आप, ये क्या लिखा हुआ है, तरबूज लिखा हुआ है, ये क्या है, टोपी है, और ये क्या है, मीनार है। तो बच्चों देखिए, अगर हम ये ऊ की मात्रा हटा के यहाँ लिख दें तरबज, तो क्या ये वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है, जबकि ये तरबूज है और इसको तरबज पढ़ेंगे तो ये अशुद्ध लग रहा है। अब जैसे ये टोपी है तो हम इसको यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, टो की मात्रा हटा देंगे, पा में हटा देंगे तो क्या टप ही तो हो जाएगा। मीनार है तो ये माँ की मात्रा हट जाएगी, ना की हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मन्नर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम इसको नीचे पढ़ते हैं। अब आप स्वरों के चिन्हों के बिना इन शब्दों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। बच्चों स्वरों के चिन्हों के बिना ये शब्द अधूरे हैं। बच्चों देखिए, जैसा मैंने अभी बताया, अगर ये मात्राएं हट जाएंगी तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, अधूरे हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, इनको पढ़ने में हमें अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा कि बिना मात्रा के शब्द कैसे पढ़ें, तो ये अधूरे हैं, इनके अर्थ भी नहीं रहे। जो चिन्ह अपने इन शब्दों से अलग किए हैं, जो चिन्ह आपने इन शब्दों से अलग किए हैं, ये चिन्ह ही क्या है, स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, जैसे जिसे मात्रा कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे स्वर, हम लोग के स्वर कौन से होते हैं, आ से आह तक स्वर हो गए, और का से ज्ञ तक क्या हो गए, वो हमारे व्यंजन हो गए। ठीक है, हो गए। और देखिए, जब स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है। जैसे स्वर में हमने स्वर थे और का में हमने में काम में हमने बड़ा की मात्रा लगा दी तो का हो गया। ठीक है, स्वरों का प्रयोग उनकी मात्रा के रूप में होता है, इसलिए व्यंजन के साथ स्वर का स्वर ना लिखकर उनकी मात्रा लगाते हैं। जैसे बच्चों मेरा नाम ले लीजिए, अब आपको लिखना है रेणु। ठीक है, मैं आपको उदाहरण समझा रही हूँ। तो राम में ए की मात्रा लगी हुई, तो राम में आप ए से एड़ी वाला तो ए नहीं लिखोगे ना, ना के बाद बड़ा ऊ तो नहीं लिखोगे ना, उनकी मात्राओं का प्रयोग करेंगे। तो राम में ए की मात्रा, ना में बड़ू की मात्रा, तब हो जाता है रेणु। उसी तरह बच्चों देखिए, तब इनका रूप बदल जाता है, स्वरों का प्रयोग इनकी मात्रा के रूप में होता है, इसलिए व्यंजन के साथ स्वर ना लिखकर उनकी मात्रा लगाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम लिखना है, मेरा ही नाम लिखना है आपको, तो आपने कोई नाम लिखा तो अब आप ऐसे थोड़ी ना लिखोगे कि र ए न ऊ, ये आपको रेणु लग रहा है पढ़ने में, इनकी मात्रा हमें लगानी है। तो ये ए की मात्रा ऐसे और ना की मात्रा ऐसे, अब हो जाएगा रेणु। समझ में आया, स्वर ना लिखकर उनकी मात्रा लगाते हैं, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जैसा बच्चों क्लास थर्ड बी के बच्चों को मैंने सेकंड बी में बताया था कि आ छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये थर्ड बी के बच्चों ने मेरी क्लास में पढ़ा है, तो उन्होंने इस तरह का मैंने उनको पढ़ाया था चार्ट पूरा ब्लैक बोर्ड पे और कॉपी में वर्क भी कराया था, तो उनको ये पढ़ने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी क्योंकि वो पहले से सेकंड में पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम लोग पुनरावृत्ति कर लेंगे ताकि आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी।
बच्चों देखिए, ये स्वर हैं, ये मात्रा हैं, ये व्यंजन हैं, ये मात्रा हैं, ये शब्द हैं, ये वाक्य हैं। बच्चों देखिए, इसमें आ, मैंने बताया आ की कोई मात्रा नहीं है, तो हम माँ प्लस आ लिख देंगे, तो माँ न मन खुश है। फिर क्या है, आ बड़ा आ की मात्रा, फिर खा में बड़ा की मात्रा, खा हो गया, तो खाना राघव खाना खा। ठीक है, आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। ये छोटी की मात्रा है, तो गिलास गिलास भर। बड़ी की मात्रा है, ये चाय में बड़ी की मात्रा, चाय में चीनी अधिक है। छोटा ऊ है, तो देखिए बच्चों, छोटा ऊ में कुछ, फिर खान कुछ खा लेता हूँ। बड़ा ऊ बूढ़ा, बूढ़े आदमी की मदद करें। फिर री है, प्र वृक्ष है, ग्रह है। ठीक है, इस तरह से वाक्य बनते हैं। वृक्ष मत काटो। ए देखिए, ए की मात्रा थी, यहाँ पे ए की मात्रा आई थी, तो यहाँ पे हमने रे कर दिया था। उसी तरह देखिए, रे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी तेज चल रही है। ए की मात्रा है, तो सैनिक देश का रक्षक है। ओ की मात्रा है, तो जहाँ पे मैंने कहा था बच्चों, स्वर के व्यंजन के साथ में मात्राएं निकलती हैं। जैसे आप टा है, तो टो टा के साथ ओ निकल रहा है, तो मैंने आपको बताया था क्लास सेकेंड में, जब आप व्यंजन बोलोगे और जोर से बोलोगे तो आपको मात्रा क्लियर हो जाएंगी कि इस व्यंजन के साथ में कौन सी स्वर की मात्रा आ रही है। टोकरी में फल है। औ लौ में, औ की मात्रा लौकी ताजी है। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस मात्राओं को, जब आपको कुछ भी कठिनाई का लगे कि मात्राएं समझ में नहीं आ रही हैं, तो एक बार आप इस चार्ट को पुनः पढ़ लेंगे तो आपको मात्राएं समझ में आ जाएंगी। बच्चों सभी मात्राओं को लगाने का, बच्चों सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं, तो कुछ नीचे, कुछ व्यंजनों के आगे लगती है, तो कुछ उनके पीछे। जैसे कि रा के साथ ऊ या बड़े ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे ना लगाकर रा के पेट में लगती है। बच्चों ये सही बात है, देखिए इसे रा है, तब यहाँ मात्रा लगाएंगे तो ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। रा की मात्रा ये यहाँ पेट में लगेगी, तो रुपया रुई होगी। और मैंने बताया था बड़ा ऊ की मात्रा, मैंने सेकेंड बी के बच्चों को बताया था जो अब थर्ड बी में आए हैं, मैंने उनको बताया था कि रा की मात्रा ऐसे छोटा ऊ की मात्रा का जब लगाते हैं मात्रा, तो उसका मुँह खुला रखते हैं, और जब बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसका मुँह थोड़ा अंदर से गोल करके तब बाहर लाते हैं, वो होती है बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, इसका रूप और अमरूद हो गया। अब री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे पैर पर लगती है, जैसे मैंने बताया था री नीचे लगता है, वृक्ष पृथ्वी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज मात्राएं यहीं पे खत्म होती हैं, इनको पुनः पढ़ लीजिएगा। जितना मात्राएं पढ़ेंगे उतना ही आपका शब्द वाक्य और इमला सब बहुत सही होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।